सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी 11 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसकी असाइनमेंट नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। अब असाइनमेंट नंबर 2.1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट्स की, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या जब ये लेक्चर एंड होगा ना तो एंड स्क्रीन पर सामने आपको लिंक शो हो जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यो वाली जो चैप्टर है और इसकी जो असाइनमेंट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चों को भी भाई ये समझ नहीं आती, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी नहीं आती थी जब मैं पढ़ रहा होता था, टीचर सामने पढ़ा रहा होता था, हम सोच रहे होते थे भाई अबे क्या करवा रहा है, ये सारा ऊपर से गुजर रहा होता था। सो लेक्चर को आपने देखना है पूरा, दरमियान में स्किप नहीं करना। मेरा वादा है आपसे कि ये जो लेक्चर अगर आप पूरा देखोगे तो ये असाइनमेंट 2.2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सो चलते हैं भाई असाइनमेंट 2.2 की स्टेटमेंट पे और उसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए फोर्स एफ वन इज इक्वल टू 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक फोर्स है 20 न्यूटन की, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल है 30 डिग्री। दूसरी फोर्स है एफ टू, जो कि है 30 न्यूटन, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा टू विच इज़ 150 डिग्री। आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ सबसे पहले कि डाटा क्या गिवन है आपको। फोर्स गिवन है एफ वन 20 न्यूटन की, और थीटा वन गिवन है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली एफ टू सेकेंड फोर्स गिवन है 30 न्यूटन की, एंगल थीटा टू गिवन है विच इज 150 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। आपने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमने रिजल्टेंट फोर्स, जिसको मैं एफ आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट डाटा ही लिखा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, और कैलकुलेट क्या करनी है? रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, जिसको हमने एफ आर से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक हो गया। मैं इस स्टेटमेंट को ना ज़रा डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस। अब एक फोर्स है 20 न्यूटन की एफ वन, जिसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये वाली एफ वन फोर्स बना लेते हैं इस तरह से। एंगल कितना है? 30 डिग्री, और वैल्यू कितनी है इसकी? 20 न्यूटन। फिर दूसरी फोर्स है 30 न्यूटन की, एंगल कितना है? 150 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ तक होता है 180 डिग्री। तो 150, 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो यहाँ पे हमने एक वेक्टर बना दिया एफ टू का, जो कि है 30 न्यूटन, और इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 150 डिग्री, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे होंगे ना, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव 30 डिग्री है, पॉजिटिव 150 डिग्री है, तो हमेशा याद रखना कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं हम ऐसे, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट मज़ीद क्लियर हो गई होगी आपको। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर है, उसका जब आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है या रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता है, तो आप उसके एक्स और वाई एक्सिस कंपोनेंट्स
मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। कि अगर हमारे पास वेक्टर है एफ, तो उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब अगर आपके पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारे पास एफ आर आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे हम वो वैल्यूज़। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या होगा, इस एफ वन और एफ टू के जो एक्स कंपोनेंट है उनको ऐड कर देना है आपने, वो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखो हमने एफ एक्स किस चीज़ के इक्वल ले लिया, एफ वन एक्स और एफ टू एक्स के, इनको ऐड कर दिया। अब एक्स कंपोनेंट के अक्रॉस हम लोग लेते हैं कॉस ऑफ थीटा, तो हम लिख लेंगे एफ वन कॉस थीटा वन और एफ टू कॉस थीटा टू। अब आपके पास एफ वन और थीटा वन, एफ टू और थीटा टू, इन चारों चीज़ों की वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये लिखी हुई हैं ऊपर। सो यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लेनी है और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है अपना आंसर, ठीक है। सो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -8.66 न्यूटन। इसी तरह से हम लोग एफ वाई कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एफ वन और एफ टू के जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे कुछ ऐसे। अब हमें पता है कि वाई एक्सिस के अक्रॉस हम लोग लेते हैं साइन ऑफ थीटा, सो एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू आ जाएगा। अगेन आपके पास एफ वन थीटा वन, एफ टू थीटा टू की वैल्यूज़ गिवन है, सो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ वाई की भी आ गई, अब क्या मुश्किल है रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, इस फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला है एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 26.46 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ तक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है। लेकिन देखो आगे वो इस क्वेश्चन में ना कंडीशन लगा सकता है कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स है ना उसका भी एंगल कैलकुलेट करें, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करें, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। एफ वाई की वैल्यू भी है, एफ एक्स की वैल्यू भी है, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा आपके पास -70.89 डिग्रीज। अब यहाँ पे देखो एंगल आ रहा है आपके पास नेगेटिव में, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर तो पॉजिटिव में हो एंगल तो हम इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव में, तो इसका मतलब है ये जो एंगल बता रहा है ना ये इस तरह लेना है आपने क्लॉक वाइज ऐसे, ठीक है, बजाय ऐसे एंटी क्लॉक वाइज चलने के ऐसे लेना है एंगल आपने, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन शोज दैट थीटा स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यार ये जो वाई कंपोनेंट है ना इसकी वैल्यू थी पॉजिटिव और ये जो एक्स कंपोनेंट है इसकी वैल्यू थी नेगेटिव। यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी और एफ वाई की पॉजिटिव में। ये होता है पहला क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है x कंपोनेंट की और y कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम एंगल को क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे ये वाला जो एंगल है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 फिर 90 यहाँ तक हो जाता है 180। अब हमने अभी बताया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका मतलब है 180 से तो कम होगा ना उसका एंगल, 180 से तो पीछे होगा, तो इस वजह से हम लोग उसको 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना था, 70.89, तो 180 माइनस 70.89 को माइनस किया
आंसर आ गया आपके पास 109.11 डिग्रीज। ये एंगल आ गया आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर मैं आपको ना जो रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम है ना वो भी बनाने का तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है, उस पर चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे है आपके पास पहला वेक्टर F1 ऐसे 20 न्यूटन का, तो आपने सेम टू सेम ऐसे ही साइड पे बना लेना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और F1 बना लो 20 न्यूटन का। ये देखो, इस तरह समझोगे ये वेक्टर उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। सो ये F1 बना लिया आपने 20 न्यूटन का। हेड टू टेल रूल आपको याद होगा, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है हेड टू टेल रूल, कि ये जो वेक्टर बनाया ना आपने इसको बोलते हैं टेल, और जिस तरफ एरो होता है उसको बोलते हैं हेड। तो ये पहला वेक्टर हो गया। अब ऐड कैसे करना है इसमें दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल को यहाँ पे रखोगे पहले वेक्टर के हेड पे, ठीक है। जैसे ये था ना सेकंड वेक्टर 30 न्यूटन का F2 जो है, इसको समझो एज इट इज उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैंने डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं की, जस्ट इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, मतलब इसकी जो टेल है उसको मिला दिया मैंने पहले वेक्टर के हेड से। मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पर क्यों लेकर गया सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, कैलकुलेट भी किया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। इस वजह से इसको मैंने लंबा किया यहाँ तक। अच्छा, हेड टू टेल रूल बता रहा था मैं आपको कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करवाते हैं, फिर पहले वेक्टर की जो टेल होती है ना उसको दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जब आप ज्वाइन करवाओगे ना इस तरह से, ये वाला जो वेक्टर आएगा इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हम FR से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो एंगल आपने अभी कैलकुलेट किया ना कितना था, 109.11 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल है, मतलब एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट फोर्स तक का जो एंगल है। तो ये आपकी क्या हो गई, रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम हो गई, ठीक हो गया। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम। सो इस तरह से आपने ये भी बना ली। सो असाइनमेंट नंबर 2.2 आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गई होगी एक एक चीज़, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।